तो ये गलती पिग फार्मिंग में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फार्मर खिलाता जाता है और जब वो एक साल में उसकी चेन साइकिल खत्म होती है तब उसे पता चलता है कि वो घाटे में था नुकसान में था, तब तक वो इतना समय गंवा चुका होता है कि उसके पास पैसा ही नहीं बचा होता कि अब वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। किसी बाड़े पे 5,000 रुपये का फीड डाल दिया है, किसी बाड़े पे 10,000 रुपये का फीड डाल दिया है, उससे हमें वजन कितना मिला। नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है केपी फीड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नवीन। तो भाइयों, अगर आप पिग फार्मिंग कर रहे हो या करने के लिए सोच रहे हो, तो अगर आपने ये गलती कर ली तो आपके पूरा फार्म बर्बाद हो सकता है, आपके जो पैसे लगाए हुए हैं वो सारे लॉस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देख लीजिए जो कि भैया बता रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो ये धंधा ऐसा है कि इसमें जो भी लाइव स्टॉक का आप धंधा देखेंगे, मोस्टली उसमें सारा का सारा पैसा खर्च आपके फीड पे ही होता है। इस धंधे का भी ऐसा ही है, आपका 80% पैसा फीड में ही लगेगा। तो पिग फीड में हमेशा आपका ध्यान यही होना चाहिए पिग फार्म पे, कि कैसे भी आपके पिग फार्म की फीड की कॉस्टिंग अच्छी हो, रिजल्ट इम्प्रूव हो और आपको प्रॉफिट आपका परसेंटेज बढ़ता जाए। तो वो आपको हमेशा नजर रखनी होगी कि आप सही तरीके से जो भी फीड खिला रहे हैं उस पर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। उसके लिए सिंपल सी आपको चीजें देखनी है। मैंने किसी बाड़े पे 5,000 रुपए का फीड डाल दिया है, किसी बाड़े पे 10,000 रुपए का फीड डाल दिया है, उससे हमें वजन कितना मिला। तो ये चीजें भी जब आप निकालेंगे तो वो एक तरह से FCR ही कैलकुलेट करती है, लेकिन वो हमें ये बताती है कि हमें हमारी जेब में पैसा कितना बच रहा है, हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, हम कुछ ऐसा तो नहीं खिला रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है और बस हम खिलाए जा रहे हैं और एक समय का वेट कर रहे हैं 6 महीने 8 महीने, तब हमें जाके पता चलेगा कि हम फायदे में जा रहे हैं कि नुकसान में जा रहे हैं। तो ये गलती पिग फार्मिंग में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फार्मर खिलाता जाता है और जब वो एक साल में उसकी चेन साइकिल खत्म होती है तब उसे पता चलता है कि वो घाटे में था नुकसान में था, तब तक वो इतना समय गंवा चुका होता है कि उसके पास पैसा ही नहीं बचा होता कि अब वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। तो ये इस धंधे की नींव है कि आपको जो भी आपकी कॉस्टिंग लग रही है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आप 100 रुपए का खिला रहे हैं तो वजन अगर 1 किलो भी ले रहे हैं ना आप, अगर 145 का रेट है, 140 का रेट है, तो आप समझिए आपको 100 रुपए खिला के 40 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 40% आपका प्रॉफिट हो रहा है। ये सीधी सी बात है, वो आपको समझनी है। 100 रुपए पे 2 किलो आ रहा है, 100 किलो पे अगर आधे ही किलो आ रहा है तो आप घाटे में जा रहे हैं। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस गलती के बारे में पता चल जाए कि वो आगे से ये वाली गलती बिल्कुल ना करें। तो भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।